नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची जो कि इस घर में रहने के लिए जो कि पूरी तरीका से खुश हो जाती है क्योंकि पल्लवी ने जिस तरीका से उसे रोका है और अपना अधिकार बताया है कि तुम इस घर की बहू हो प्राची, तुम इस घर में रह सकती हो, मेरे से गलती हो चुकी है, मुझे माफ़ कर दो। और इस तरीका से पल्लवी जो कि रणबीर की माँ माफ़ी मांगती हुई नजर आई है। अब पल्लवी को लग रहा है कि प्राची रुक तो जाएगी लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद में प्राची को पता चल जाएगा कि मेरा असली रूप क्या है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पल्लवी ने बहुत गंदी हरकत चली है क्योंकि पल्लवी इसलिए बोल रही है कि जैसे ही प्राची के बच्चा इस दुनिया में आएगा तुरंत ही उस बच्चे को पल्लवी ले लेंगी और प्राची को इस घर से बाहर कर देंगी क्योंकि पल्लवी मानती है कि रणबीर का बच्चा मिडिल फैमिली वाला नहीं बनेगा बल्कि इसी घर में रहेगा, लेकिन प्राची को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग बाहर निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों कहानी में एक नया ट्विस्ट और देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रणबीर लाख कोशिश कर रहा है कि प्राची को किसी भी तरीका से मनाया जाए ताकि दोनों के बीच में प्यार बढ़ सके, लेकिन अभी प्राची ने रणबीर से बोल दिया है कि मुझे तुमसे स्पेस चाहिए, कुछ दूरी चाहिए, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं रह सकती। और इस तरीका से दोनों में अभी तक दरार आई हुई देखने को नजर आ रही हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफ़ी दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि जिस तरीका से प्राची बोलती हुई नजर आने वाली है रणबीर से कि रणबीर मुझे इस समय कोई भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो तो मेरा मन वाकई में शांत हो जाएगा, नहीं तो जिस तरीका से तुम चाह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्राची इस समय सबसे ज़्यादा अपसेट भी नज़र आ रही हैं क्योंकि प्राची जानती हैं कि रणवीर उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।